अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो आप सभी लोग। तो जैसा कि आप देख सकते हैं वीडियो में, आज कोटा का मौसम बहुत खूबसूरत हो गया है। तो गाइस, हमने भी सोचा कि निकलते हैं और मौसम को एंजॉय करते हैं। तो गाइस, वीडियो में हम जा रहे हैं अन्ना झील की तरफ, और हमारे साथ रहिए। वीडियो को स्किप हरगिज मत कीजिए। तो गाइस, बस हम पहुंचने वाले हैं हन्ना झील, और मौसम तो आप देख सकते हैं। तो गाइस, अब हम पहुंच चुके हैं हन्ना झील। तो गाइस, कमाल की बात ये है, जैसे हम पहुंचे यहाँ पर तभी स्टार्ट हो गई बर्फबारी। ओ वाओ गाइस, क्या बर्फबारी है। गाइस, अब हम आपको दिखाएंगे कोयटा का हन्ना झील। तो गाइस, ये कोयटा का हन्ना झील, और ये दुनिया का वाइट झील है जिसमें आपको पानी नहीं मिलेगा। तो गाइस, यहाँ पर पहले बहुत ज्यादा पानी हुआ करता था, बाकायदा कश्तियां चलती थी, लेकिन अभी आपको कुछ भी नहीं मिलेगा यहाँ पर। तो गाइस, कोई बात नहीं, हम तो सिर्फ वो सब को एंजॉय करने आए थे। तो गाइस, यहाँ पर एक कैंटीन है, वहाँ पर हम जाएंगे थोड़ा चाय शाय पीने, और सर्दी भी बहुत ज्यादा है। तो गाइस, यहाँ पर पकौड़े सिर्फ आलू वाले मिल रहे थे, इसलिए हमने ऑर्डर कर दिया चाय के साथ। तो गाइस, बारिश में चाय और पकौड़े खाने का अपना ही मजा है। तो गाइस, अभी बर्फबारी खत्म हो चुकी है और हमने चाय भी पी लिया है। तो गाइस, झील के एक साइड पर एक छोटा सा पार्क भी है, जिसमें गाइस कुछ टूटे फूटे झूले लगे हुए हैं, आप देख सकते हैं। तो गाइस, ये झील की पिछली वाली साइड, और यहाँ पर आपको थोड़ा सा पानी नजर आएगा। आज कोटा का टेम्परेचर माइनस में है, और यहाँ सर्दी भी बहुत ज्यादा हो गई है। तो गाइस, अभी हम चलते हैं अपने घर की तरफ। मिलता हूँ आप लोगों से अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।